24/7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, पीपीनी 24/7 में आपका स्वागत है। आइए नहीं डालते हैं कि खास खबर पर। आजमगढ़ बहिष्कार पर गए बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी। न्यूनतम वेतन सहित 7 सूत्री मांग को लेकर आजमगढ़ बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी कल से ही कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। दूसरे दिन भी सिधारी हाईडील पर धरना प्रदर्शन। इस दौरान संगठन के उपाध्यक्ष आशीष कुमार पांडे ने कहा कि उनकी मांगों में प्रमुख रूप से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए, ईपीएफ घोटाले की जांच करने, कर्मचारियों की सुरक्षा शामिल है। इसके लिए 7 सितंबर से ही लखनऊ के शक्ति भवन पर आंदोलन चल रहा है। आंदोलन के 76 दिन पूरा होने के बाद भी सरकार और प्रबंध तंत्र अभी तक एक भी मांग को पूरा नहीं किया। ऐसे में मजबूर होकर कार्य बहिष्कार का निर्णय लेना पड़ा। बाइट आशीष कुमार पांडे उपाध्यक्ष, आई देखिए योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। क्या नाम आपका? आशीष कुमार पांडे, पूर्वांचल उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ से हूँ। किस लिए धरने बैठे हैं आप? ये हमारी 7 सूत्री मांगे हैं, जिसमें संविदा कर्मियों को एक न्यूनतम वेतन जो 18,000 की मांग की गई है। दूसरा, मृतक श्रमिक को हित लाभ दिया जाए, ईपीएफ एसआई में जो घोटाला हुआ उसकी जांच की जाए, संविदा कर्मियों को लाभ दिया जाए। ये हमारी 7 सूत्री मांगे हैं। क्या अगर मांगे नहीं पूरी होती है तो क्या आप? देखिए, हमारा धरना जो है वो आज 7 सितंबर से चल रहा है, जो ले दे के आज 76 दिन हो गया टोटल। हमारे जो केंद्र के पदाधिकारी हैं वो इको गार्डन में धरना कर रहे हैं। इस बीच में हमारा शक्ति भवन पे 15 तारीख को घेराव भी था, लेकिन घेराव को विफल करने के लिए सरकार ने पुरजोर कोशिश की, लेकिन हमारी जनसभा इतना ज़्यादा थी, 50,000 की संख्या में लोग थे वहाँ पर मौजूद, कि सरकार की छवि खराब हो गई है। क्या लग रहा है, आपकी बातें कहीं सुना नहीं जा रहा है? एकदम नहीं सुना जा रहा, हमारी बातों को दबाया जा रहा है। सरकार को एनएम दिख रहा है, जीएनएम दिख रहा है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी दिख रहे हैं, और बिजली कर्मचारी नहीं दिख रहे हैं, जो रातों दिन रिस्क लेके काम कर रहे हैं। तो उसके बाद शक्ति भवन का घेराव करने के बाद हमारी सरकार से बात हुई, सरकार उसको विफल कर दिया। हमसे 22 तारीख तक का समय माना, हमारा उसमें 2 दिवसीय कार्यक्रम भी था, स्वैच्छिक अवकाश, जिसपे सभी संविदा कर्मी आजमगढ़ जिले से स्वैच्छिक अवकाश में चले गए हैं, और 18 नवंबर से कार्य बहिष्कार अनिश्चितकालीन है, जो हम लोग इस समय कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। आशीष पांडे के लिए, आशीष पांडे जिंदाबाद, आशीष पांडे जिंदाबाद। सभी क्रांतिकारी साथियों, आज जो धरना चल रहा है रोजी रोटी के लिए नहीं बोलते रहे, थोड़ा सा बोलते रहे, बोलिए। तो आप उजाला करने वाले भाइयों, आपसे अनुरोध है, व्यवस्था है कि एक स्थान पर है, एक लड़ाई पर है, लड़ाई जीत के ले, और लड़ाई जीत लेंगे। लगा रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं कि बहुत तेजी से लगाया आप लोग, यहाँ से आवाज। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुख करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।